नमस्कार बताना चाहूंगा किस तरीके से पांच राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये जो पंजाब और उत्तर प्रदेश और जो गोवा है, मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड और मणिपुर, ये घमासान युद्ध चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है? एक तरफ इलेक्शन तो दूसरी तरफ कोरोना का विस्फोट हो चुका है पूरे भारत में। और मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से, देखिए अगर हम और आप बिना मास्क, मैं बता रहा हूँ मैं अभी रूम में अकेला हूँ, रूम में हूँ इसके मास्क हटाकर बैठा हूँ, अन्यथा मैं भी रोड पे जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस का भी पालन करता हूँ, हर चीज का जो भी सरकार ने निर्देश दिया उस सब चीज का पालन करता हूँ। परंतु बताना चाहूंगा किस तरीके से जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है इलेक्शन के नाम पर, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, रोड मीटिंग होती है, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा देते हैं, विदाउट मास्क खड़े रहते हैं और किस तरीके से पार्टी का झंडा लेकर पूरे रोड पर ही, सड़क पर ही नहीं पूरे मोहल्ले में घूमते हैं विदाउट मास्क। तब इनकी हिम्मत नहीं होती है कुछ सरकारी नौकर कर्मचारी की, बता रहा हूं मैं, आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं और 250 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपया पेनल्टी लगा देते हैं अगर विदाउट मास्क पकड़ा गया तो। ऐसा लग रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं और विदाउट मास्क जा रहे हैं और वो पकड़ लेते हैं और पकड़ कर उनसे चलान के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है देश में। लोगों को जागरूक करना चाहिए, ना कि इस तरीके से पैसा लूटना चाहिए। देखिए मैं बताना चाहूँ, कई बार ऐसा हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ है, कई लोगों को पकड़ लिया गया लेकिन वो मास्क पॉकेट में रखे थे, लगाना भूल गए थे या कुछ खाकर आए थे, तो उन्होंने जबरदस्ती चलान लगाया, जबरदस्ती पैसा लिया, गुंडागर्दी करके पैसा लिया और जेल में फेंक देने की धमकी भी दी ना देने पर। और किस तरीके से सरेआम खुलेआम धांधली चल रही है, मास्क के नाम पर पैसा वसूली का धंधा बहुत जोरों पर है बाजार में, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है। जो बड़ी बड़ी सभाओं में विदाउट मास्क नेता लोग खुद विदाउट मास्क घूम रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उनके कार्यकर्ताओं को उठाकर जेल फेंक दे, जेल में फेंक दे या उनसे पैसा वसूली कर ले। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाकर पैसा वसूली करें। यही सरकारी कर्मचारी, यही सरकारी नौकर, उनकी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन जो साधारण आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उनके ऊपर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है, जो लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश बंद है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा के पार चली गई है और देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी जिस तरीके से ग्राफ गिरा है उसको देखते हुए देख सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट किस तरीके से आम जनता के साथ पैसा वसूली का धंधा कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अच्छा, मास्क लगाना, मैं ये नहीं बोलता कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन मैंने डॉक्टर से भी सलाह की, डॉक्टरों से बात की, अगर आप हर समय मास्क लगा के रखेंगे तो आपको सांस की बीमारी हो जाएगी, आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, आपकी जो ह्यूमिडिटी है जो स्ट्रोंग होने की वजह और कमजोर हो जाएगी। ये मैंने डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टरों से बात की और डॉक्टरों ने ये बात कही और डॉक्टर ये भी बात बोलते हैं कि आप सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और मास्क भी लगाइए और भीड़ भड़के में मत जाइए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा दूरियां बना के रखिए भीड़ भड़के से। तो डॉक्टर भी ये बात बोलते हैं, परंतु जब डॉक्टर से सही तरह की बातें की जाए तो वो बातें भी है कि आप 24 आवर मास्क लगा कर ही रहेंगे और इसी तरीके से मास्क लगा कर चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और हर समय डर और खौफ जो है मन में, दिमाग में और दिलों में रहेगा, तो मैं बताता हूँ डर ही आधा जो है जीवन को खत्म कर देता है। डर एक ऐसी चीज है जो कि आपको विल पावर कमजोर कर देता है, डर एक ऐसी चीज है जो आपको कमजोर कर देता है, डर एक ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर देता है। तो ये जो डर है, ये डर का जो माहौल है वो पूरी तरह, बुरी तरह पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुका है। अभी सुधीर चौधरी आ गए हैं, डीएनए करेंगे और मैं कहना चाहूंगा सुधीर चौधरी जी को तो मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ, कई बार इनसे चैलेंज किया हूँ और चलो अच्छा भी बोलते हैं, अच्छी बात है, मगर मैं बताना चाहूंगा अभी तो हमारी जो बातें चल रही है, देखिए अभी इन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, देख रहे हैं, क्योंकि जब एंकरिंग करते हैं तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का पालन होता है स्टूडियो में और इसी तरीके से मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो ये जो चीजें हैं इसको दोनों को एक साथ तराजू में तोलना पड़ेगा
मास्क लगाने से क्या फायदा होता है और ज्यादा मास्क लगाने से क्या नुकसान होता है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। इस चीज का भी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। तो अपने जो फैमिली डॉक्टर है या सलाहकार है उनसे भी आप राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सही चीज है, मैं खुद कहूंगा कि अभी जो कोरोना का विस्फोट हुआ है, ओमिक्रॉन का जो विस्फोट हुआ है पूरे भारत में, ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। लोग इससे काफी लोग पहले भी देखे होंगे मौत के मुंह में चले गए और कई लोग बीमार है, कई लोग वेंटिलेटर में है। देश में इतनी ज्यादा वेंटिलेटर नहीं है, इतनी ज्यादा चिकित्सालय का सामान नहीं है कि पूरे देश में करोड़ों लोग है, 135 करोड़ की आबादी है, पूरा देश को ठीक कर सके। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि जो बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही है, 5 राज्यों में इलेक्शन है, वहां किस तरीके से सरकारी कानून को ही सरकार धचिया उड़ा रही है, माने सरकारी कानून का दुरुपयोग जो है सरकारी नौकर कर्मचारी कर सकते हैं, परंतु आम जनता, साधारण जनता, गरीब जनता उसके ऊपर तो बुलडोजर चला देते हैं ये लोग। तो ये जो चीजें हैं, ये दोगली वाली जो बातें हैं, ये तक दो तरफा बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं इसी के साथ हेमंत कोठावर, हेमंत टीवी।